नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं हूँ जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ बन रहा है इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजिकर ब्रिज। तो अंजिकर ब्रिज के एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं काफ़ी दिन बाद ये वीडियो लेके आपके पास आया हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जैसे कि सभी को पता है कि जो USBRL प्रोजेक्ट है उसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और जो CRS और ट्रेन ट्रायल है वो भी आप तो रियासी संगलदान से लेकर रियासी तक हो चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, एक ये इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है, एक ऐतिहासिक क्षण है कि वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट ब्रिज है चेनाब ब्रिज है, उसके ऊपर से ट्रेन गुजरते हुए आप लोग देख सकते हैं। ये दुनिया के सामने इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज चेनाब ब्रिज के ऊपर ट्रेन का जो ट्रायल रन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी अभी संगलदान से लेके रियासी स्टेशन तक ये जो पोर्शन है इसका CRS कंप्लीट हो चुके हैं, यानी ग्रीन सिग्नल मिल गया है सेफ्टी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की तरफ से, और बहुत ही जल्द ये रूट पे आप लोग देख पाएंगे। जो पब्लिक के लिए ट्रेन का जो सुविधा है वो खोल दिया जाएगा और हम पब्लिक जो है सीधा ट्रेन में बैठ के श्रीनगर जा सकते हैं। अभी रियासी से ले अभी जो बचा हुआ एरिया है वो है रियासी से लेके कटरा तक, जिसका काम अभी प्रगति पे है। उसका जो मेन अभी फोकस है वो है टनल T1 में, जिसका कुछ काम अभी बैलेंस है। 30-35 मीटर का जो बैलेंस वर्क है उसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और लगता है ये साल ख़त्म होते होते ये जो बैलेंस पोर्शन है इसका भी CRS और ट्रायल रन कंप्लीट हो जाएगा। और आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में जो ट्रेन का मूवमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो USBRL प्रोजेक्ट है बहुत दिन से जो चल रहा है वो भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल मैं बात करूंगा कुछ एक्टिविटीज़ जो कि अंजिकर ब्रिज में चल रहा है। जो बैलेंस USBRL का जो बैलेंस पोर्शन है उसमें मेन एक पोर्शन है अंजिकर ब्रिज, जिसका काम अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। कुछ माइनर एक्टिविटीज़ जो कि बचे हुए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ़िलहाल मैं बता दूं कि एक मेजर एक्टिविटी जो था हम लोगों का जो मेन पाइलन का कैप था उसका काम ख़त्म हो चुके हैं। ये कुछ विजुअल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो कंस्ट्रक्शन के टाइम का, कि कैसे रेनफोर्समेंट बांधे गए थे, कैसे इसका काम हुआ था, उसका कुछ मैं विजुअल्स आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर से कुछ व्यूज़ ले रहे हैं। जैसे ही अंजिकर ब्रिज और T1 का जो बैलेंस पोर्शन है उसका काम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो पूरा USBRL का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तब श्रीनगर तक सभी लोग ट्रेन में बैठ के पहुंच पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि जो जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए जो 8-9 घंटा या 10 घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम जो लगते थे, अभी बस 2 से 3 घंटे के अंदर जो कि है जम्मू से आदमी सीधा ट्रेन में बैठ के श्रीनगर पहुंच सकते हैं। ये USBRL प्रोजेक्ट इंडिया के लिए बहुत मायने रखते हैं। ये मिलिट्री सर्विस के लिए, डिफेंस सर्विस के लिए भी बहुत ज़रूरी था और आम पब्लिक के लिए भी बहुत ज़रूरी था, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले है। मैक्सिमम पोर्शन तो ख़त्म हो ही चुके हैं, अभी जो बैलेंस पोर्शन है वो भी ये उम्मीद करते हैं कि ये साल ख़त्म होने तक इसका जो काम है, जो बैलेंस वर्क्स है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल अंजिकर ब्रिज में कुछ एक्टिविटीज़ चल रहे हैं जो आप लोग ये वीडियो में देख पा रहे हैं।
ये पाइलन का जो मेन पाइलन का कैप है उसका कंक्रीटिंग का काम चल रहा है। ये हमारे जो ज़मीन है, ज़मीन से लगभग 600 फीट ऊपर, 193 मीटर ऊपर ये जो कंक्रीट है ये अभी चल रहा है। ये एक काफ़ी रिस्की एक्टिविटी था जो कि बहुत सेफली इसको ख़त्म किया गया। फिर एक बार बता दूं कि ये ज़मीन से 193 मीटर हाइट पे बनाया गया है। ये जो पाइलन कैप है 193 मीटर एबोव ग्राउंड लेवल। इसका शेप आप लोग देख सकते हैं, कंक्रीट ख़त्म होने के बाद बड़ी खूबसूरत दिख रहा है। इसका दोनों तरफ से स्लोप दिया गया है, इसका रेडियस में बनाया गया है। हवा का दबाव को देखते हुए दोनों तरफ से जो हवा का प्रेशर है, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका व्यू आ रहा है। ये दोनों तरफ से जो हवा का जो दबाव है इसका, इसको नज़र रखते हुए दोनों तरफ से इसको रेडियस में बनाया गया है हवा को डाइवर्ट करने के लिए। ये कुछ कुछ मिसेलेनियस एक्टिविटीज़ फ़िलहाल अंजिकर ब्रिज में चल रहा है, जो कि मिसेलेनियस में है, माइनर एक्टिविटी है और ये चलेगा कुछ दिन। ये कुछ आप देख सकते हैं ड्रिलिंग का काम चल रहा है। एक्चुअली ये जो ड्रिलिंग कर रहा है यहाँ पे इंक्लिनोमीटर सेंसर लगाया जाएगा, जिससे जो ब्रिज का हेल्थ इन्फ्यूसर मॉनिटर किया जाएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं अंजिकर ब्रिज का जो मेन रोड है, ट्रैक के बगल से, मेन रेल ट्रैक के बगल से जो रोड जा रहा है उसका जो न्यू जर्सी बैरियर है उसका भी प्लेसिंग और अलाइनमेंट का काम स्टार्ट हो गया है। ये केबल का सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको रोड साइड में लगाया गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।